मकरण शहर में दिन दहाड़े उड़ते हैं परखच्चे यातायात नियमों के। शहर की यातायात व्यवस्था पहले से ही चक जाहिर है। ट्रकों के ओवरलोड और अनियमित चालान से आए दिन दुर्घटनाएं होती रहती है, मगर उसके बाद भी शहर की कानून व्यवस्था का इस पर जरा भी ध्यान नहीं जाता है। ऐसा ही कुछ आज मकराना बस स्टैंड पर बड़ा हादसा हो से टला। मिली जानकारी के अनुसार मकराना बस स्टैंड से मकराना की ओर एक ट्रक पाइपों से भरा आ रहा था, जिसके कारण मेन सर्विस लाइन का तार टूट गया, जिससे मार्ग अवरुद्ध हो गया। लोगों ने बताया कि ये तार वाहन चालक पर भी गिरता, लेकिन हादसा होते होते टल गया और जहां पर ये तार लगे रहते हैं वो पिलर भी जमीन पर गिर गया और मार्ग अवरुद्ध हो गया। मौजूदा लोगों ने बताया कि विद्युत विभाग के अवगत कराने पर भी करीब आधे घंटे बाद कर्मचारी मौके पर पहुंचे, तब तक मार्ग को टैक्सी चालकों ने वाहन को रोक कर साइड से निकलवाया। आप देख सकते हैं ये तार टूटा हुआ नजर आ रहा है, यह बड़ा हादसे होते होते टल गया। बताओ कैसे टूटा ये तार वार? ये पाइप लाया था ट्रक, पाइप से भरा हुआ ट्रक, वापिस घुमा रहा था, उसमें तार टूट के नीचे गिर गया, तार नीचे होने के कारण इसमें उधर वापिस घूम के गया था खंबा। अच्छा, और लाइट वाले को फोन किया था आधे घंटे पहले, अब आए लाइट वाले आधे घंटे के बाद में, ना तो कुछ सही ना बर्बाद। और ये हम साफ कर रहे हैं गाड़ी वालों को, सब रास्ता बता, बड़ा हादसा होने वाला था लेकिन हमने ये टायर लगाया, टायर की तरफ कोरोना मुंह तो ये पाइप ट्रक पाइपों से भरा ट्रक आया था, उसकी वजह से टूटा था। कितने बजे की बात है? लगभग अभी आधे घंटे पहले आया था ये बात है साहब, 10:30 बजे की बात है। आप देख सकते हैं यहाँ बस स्टैंड के पास ये एक तार टूटा हुआ नजर आ रहा है। लोगों का ये कहना है कि ये तार एक ट्रक पाइपों से भरा हुआ आया था, जिसकी वजह से ये तार टूट गया और बड़ा हादसा होते होते बच गया। यहाँ पे टैक्सी स्टैंड पे जो लोग हैं उन्होंने ये देखा और मार्ग को जो अवरुद्ध था उनको दुरुस्त करवाते हुए नज़र आ रहे थे। और साथ ही इन लोगों का ये कहना कि हमने बिजली विभाग को फ़ोन कर दिया था, उसके करीब आधे पौन घंटे बाद बिजली विभाग आया है, तब जाके ये मार्ग दुरुस्त हो रहा है। आप देख सकते हैं यहाँ कर्मचारी आए हुए हैं और काम करते हुए नजर आ रहे हैं। इस तार टूटने की वजह से यहाँ वाहन चालक के ऊपर अगर यदि तार ये गिर जाता तो बड़ा हादसा हो जाता। खैर अब कार्य प्रगति पर है और यहाँ पे वाहनों की आवाजाही शुरू हो गई है। यहाँ पे लोगों ने जिस प्रकार से यहाँ टायरें लगाकर वाहन चालकों को रोक कर मार्ग के बारे में बताया जा रहा था, अब यहाँ बिजली विभाग के कर्मचारी आने के बाद ये काम शुरू कर दिया है।